हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों अगर आप भी है क्रिकेट के दीवाने तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो कर दीजिए सब्सक्राइब। जैसे जैसे ही आईपीएल होने की संभावना बढ़ रही है, वैसे वैसे ही ताजा ताजा खबरें दोस्तों निकल के सामने आ रही है। एक ऐसी ही खबर अभी निकल के सामने आ रही है, वो स्पॉन्सर्स को लेकर। तो वो स्पॉन्सर वाली खबर आपको इस वीडियो में पूरी बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि फिलहाल भारत और चाइना का जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से भारत जो है वो इस वक्त चाइना के सारे ब्रांड को भारत से बाहर निकाल रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था इंडिया से। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार के कदम अब बीसीसीआई भी उठा सकता है आईपीएल को लेकर। इसमें हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों कि आईपीएल का जो मेन स्पॉन्सर वीवो है, जो कि मेन स्पॉन्सर है आईपीएल का, वो चाइनीज ब्रांड है। और बीसीसीआई अगर चाहे तो वीवो की छुट्टी कर सकता है, और दोस्तों हमें ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। क्योंकि दोस्तों भारत में बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कि वीवो की तरह ही पैसा देने को तैयार है, जिसमें जियो और पतंजलि का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि आईपीएल की मेन स्पॉन्सरशिप खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों अब बीसीसीआई एक बैठक करके उसमें तय करेगी कि क्या वीवो की छुट्टी हमें कर देनी चाहिए, क्योंकि वीवो एक चाइनीज ब्रांड है और भारतीय ब्रांड को मौका देना चाहिए आईपीएल की मेन स्पॉन्सरशिप के लिए। तो दोस्तों इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि क्या वीवो की अब छुट्टी कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आप अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आईपीएल में जो भी चाइनीज ब्रांड और चाइनीज कंपनी के एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसको हटा देना चाहिए टिकटॉक की तरह, या फिर नहीं। आप अपनी राय वीडियो के कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।